फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस। आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा, सो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं, इस वीडियो में आप जानेंगे फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, रॉ मटेरियल आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, मशीन आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन पॉइंट्स पे मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करूंगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्लाई एश ब्रिक्स जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यानी कि आने वाले टाइम में भी ये बिजनेस चलेगा, अभी की डेट में चल ही रहा है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार खुद इसको प्रमोट करती है। भारत सरकार ने इस बिजनेस को करने के लिए 25% से लेकर 35% तक सब्सिडी वाला लोन का भी प्रावधान किया है, जहां पर आप 50 लाख रुपए तक का आप लोन प्राप्त कर सकते हैं PMEGPI स्कीम के तहत। ये रिवाइज्ड गाइडलाइन है, पहले 25 लाख था, अभी 50 लाख हो चुका है। तो भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये बिजनेस अच्छा ही होगा। दूसरा, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। 2021 में बिहार सरकार ने मिट्टी से बने हुए ईंटों का सरकारी भवनों में निर्माण पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब कोई भी सरकारी भवन में फ्लाई एश ब्रिक्स के अलावा दूसरा ब्रिक्स यूज नहीं करेगा। फ्लाई एश ब्रिक्स को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये पॉल्यूशन को कम करता है। मिट्टी का ज्यादा से ज्यादा ईंट बनाने के लिए जो यूज होता है, उसके वजह से नुकसान होता है पर्यावरण को, इसीलिए फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस को इतना ज्यादा सरकार भी प्रमोट कर रही है। सो बिजनेस तो चलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, सो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम में फ्लाई एश ब्रिक्स का ईंट का प्रयोग तो होना ही होना है। कारण मिट्टी से बने हुए ईंट धीरे धीरे बैन होते जाएंगे और इस तरीके का ईंटों का प्रयोग ज्यादा होगा। अभी की डेट में आप कुछ पिक्चर देख सकते हैं, लोग अपने घरों में भी बनाने के लिए फ्लाई एश ब्रिक्स ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। फ्लाई एश ब्रिक्स ईंट बनाने का जो लागत है, वो लगभग आपको 3 रुपये के आसपास का लागत पड़ता है, 3 रुपये से 4 रुपये के बीच का। ये टोटल डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल आप कितना दूर से लाते हैं, किस कॉस्टिंग में ले आ रहे हैं, राइट। बट लगभग आपका ये आपका कॉस्टिंग आएगा, और जब आप बेचते हैं मार्केट में तो 1 रुपया प्रॉफिट के बेसिस पर बेचते हैं। जैसे कहीं कहीं पे ये 1.5 रुपया भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, ज्यादातर जगहों पर 1 रुपया एक ईंट को बेचने पे प्रॉफिट आता है, राइट। सो इस बिजनेस में अगर आप इमेजिन कर लीजिए कि पूरे 1 साल में आपने 50 लाख ईंट का बेचा, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर नहीं है, आप एक महीने में 5-5 लाख ईंट को बेच सकते हैं, क्योंकि एक घर को बनाने में लाखों ईंट का प्रयोग होता है। तो अगर आपने साल भर में 50 लाख ईंट को बेचा और पर ईंट में ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपया मार्जिन में मान लूं, तब भी आप 1 साल में 50 लाख रुपया का आप अर्निंग करेंगे। ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये एक ऐसा फिगर है जो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल फिगर है। कभी भी आप बेचेंगे तो मिनिमम आपको 1 रुपया तो पक्का इसमें आ जाता है, इससे ज्यादा होगा कम नहीं होगा। तो बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, फ्यूचरिस्टिक है, ये आपने जान लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस बिजनेस के लिए मशीन कैसे लेंगे, कितने टाइप का मशीन हो सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रॉ मटेरियल आप कैसे ले सकते हैं। रॉ मटेरियल के लिए भी बहुत ही ज्यादा मारामारी है, कुछ लोगों का कहना है कि रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, इसका भी सोल्यूशन इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं मशीन की ओर। अभी जो मैं आपको फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन अभी आपको ये जो दिखा रहा हूं, इस मशीन को लगाने के लिए आपके पास कम से कम 1 एकड़ के आसपास का जमीन होना चाहिए और लगभग आपके पास 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का शेड बना हुआ होना चाहिए। ये जो भी आप मशीन देख रहे हैं, ये है फ्लाई एश ब्रिक्स का फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। इस मशीन के थ्रू आप 5 तरीके के ईंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फ्लाई एश ब्रिक्स के अलावा आप इसमें प्योर ब्लॉक हो गया, हॉलो ब्रिक्स हो गया, जिगजैग प्योर ब्लॉक हो गया, ये सारी चीजें आप इसी मशीन के थ्रू बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेम बदलना है, बाद बाकी प्रोडक्शन हो जाएगा, रॉ मटेरियल आपको चेंजेस करते रहना है। इस मशीन की अगर मैं खासियत की बात करूं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ मशीन है, जो कि 1 साल के फुल्ली वारंटी के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इस कंपनी का नाम है मिक्सवेल। मिक्सवेल एक गुजरात की कंपनी है, जो कि पिछले 20 साल से मार्केट में है और लगभग 12 से 15 साल से ये फ्लाई एश ब्रिक्स और प्योर ब्लॉक का मशीन ये लोग बेच रहे हैं। ये एक लाइव फैक्ट्री का टूर है, आप देख लीजिए कि कितना इसमें स्पेस लिया गया है, मशीन के लिए सिर्फ और सिर्फ शेड है। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये है एक पैन मिक्सर मशीन, जिसमें सारे रॉ मटेरियल को डालकर इसको मिक्स किया जाता है। जो भी इसमें बेसिक रॉ मटेरियल लगते हैं, वो फ्लाई एश ब्रिक्स हो गए, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारी चीजें डाल के इसमें बनाई जाती हैं। मिक्स करने के बाद इसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इसको लेकर जाया जाता है हॉपर में, और फिर इसको प्रेशर मशीन से प्रेस करके बनाया जाता है मनचाहा ईंट।
हॉपर में आने के बाद ये आ जाता है ट्रॉली में, ट्रॉली में आने के बाद ये जो भी आप देख रहे हैं ये हाई प्रेशर मशीन है, जिससे ये हाई वाइब्रेशन और प्रेशर दोनों है, इसके थ्रू प्रेस करके ये जो ईंट बन रहा है इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। इसका आप क्वालिटी देखिए, ये काफी ज्यादा टिकाऊ भी होता है, गिरने के बाद टूटता नहीं है, ये इस ब्रिक्स का सबसे बड़ा खासियत है। ये बनाने के बाद इसको आपको सुखाना पड़ता है, 3 से 4 दिन इसको सुखाने में टाइम लगता है और आप आराम से बेच सकते हैं। नॉर्मल अगर आप मिट्टी के ईंटों की बात करें तो उसको सुखा कर बेचने में कम से कम महीना दिन का टाइम लगता है, बरसात के सीजन में आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है, आप इसको आराम से सालों भर बेच सकते हैं। एक बार प्रोडक्शन करके आप इसको स्टोर कर लीजिए, आराम से आप बेचते रह सकते हैं। बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने में जो सबसे मेजर रॉ मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को बनाने में फ्लाई ऐश का ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल रहता है वो तो आपको मिल ही जाएगा। फ्लाई ऐश को लेना ही सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं आप लोगों में से काफी सारे लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लाई ऐश लेने के लिए आपको जाना होता है कहां पर, तो जहां पर बिजली का उत्पादन होता है आप वहां पर जाकर, टेंडर वहां पर निकलता है उनका, तो आप उस टेंडर के थ्रू अप्लाई करके अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आप फ्लाई ऐश प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी टाइप के बिजली उत्पादन वाले जो भी कंपनियां हैं, जैसे NTPC हो गया या BSES करके हो गया, ये सारे लोग टाइम टाइम पर टेंडर निकालते रहते हैं, वहां पर आपको फ्लाई ऐश मिल जाएगा, काफी कम रेट पर वहां पे फ्लाई ऐश मिलता है। ये तो पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए बिजनेस ओनर हैं तो शायद आपको जल्दी टेंडर ना मिले, तो उसके लिए आपको करना क्या है, शुरुआती कुछ टाइम में जैसे 2 महीना 6 महीना आप चाहें तो होलसेलर के थ्रू आप फ्लाई ऐश प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप में से काफी सारे लोग बिहार और यूपी नेपाल के आसपास के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके लिए एक हमारे मित्र हैं फ्लाई ऐश जो कि प्रोवाइड करते हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से भी फ्लाई ऐश उनसे प्राप्त कर सकते हैं। बात बाकी अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो आपको इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर अपने इंक्वायरी को डालना, वहां पर जो आपको होलसेलर मिल जाएगा, सप्लायर मिल जाएगा, आप उसके थ्रू फ्लाई ऐश प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। जब आप धीरे धीरे इस मार्केट में एंटर कर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से फ्लाई ऐश को प्राप्त करना है, तब आप आराम से टेंडर के थ्रू भी फ्लाई ऐश को प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना पूरी डिटेल में फ्लाई ऐश से रिलेटेड काफी जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मशीन लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, फ्लाई ऐश लेने के लिए भी मैंने एक का नंबर दे दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, लोन चाहिए, तो लोन के लिए भी मैंने myprojectreport.com का नंबर दे दिया है, आप वहां पर जाके संपर्क करिए, आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा, और बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।